नगरोटा तो हुण सिद्धियां तस्वीरां वी तुहाडे तक पहुंचदियां कर दिंदे आ। साडे सहयोगी संदीप साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने, सीधे उन्हां दा रुख करांगे ते तस्वीर उन्हां आले पासे की है, इस वेले अपडेट्स की ने इह जाण लैंदे आ। जी संदीप, देखिए अमृता, इस वक्त जो है वो लगातार अब लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग 12:05 का समय बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो जेपी नड्डा रोड शो करने के बाद जो है वो पहुंचेंगे। हालांकि 11 बजे जो है वो गगल एयरपोर्ट पे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है, जिस उनके स्वागत के लिए जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दूसरे बड़े जो पदाधिकारी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हैं वो उनके स्वागत के लिए वहां पर निकल चुके हैं। और जाहिर तौर पर नगरोटा पहुंचने के बाद जो है वो आज बड़ी जनसभा का जो संबोधन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं, क्योंकि इस साल का जो है वो ये जनसभा होना जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो है वो कांगड़ा का अहम स्थान है, इस जिला का अहम स्थान है, क्योंकि 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो इस कांगड़ा जिला के अंतर्गत आती हैं। और तो जाहिर तौर पर जो है वो पिछले अगर 2017 के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट की अगर बात करें तो 11 सीटें जो है बीजेपी ने यहाँ से जीती हैं, तो इस बार भी जो है चुनावी शंखनाद जो है इस जनसभा से जो है वो किया जाएगा। जाहिर तौर पर बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लगातार जो है लोगों का, महिलाओं का आना जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। 12:05 पर जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर रोड शो करते हुए पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? सरोज कुमारी। तो आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंची हो? जेपी नड्डा जी को सुनना है या फिर कोई मुद्दे हैं? नहीं, सुनना ही कुछ है। सुनने के लिए? हाँ जी। सुबह चले थे? हाँ जी। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हो? चलिए, ये शर्मा रही हैं, थोड़ा औरों से पूछने की कोशिश करते हैं। जी, कहाँ से पहुँचे हैं आप? रानीताल से सर, रानीताल से। तो खास जेपी नड्डा जी को सुनने आए हैं या कोई और भी मुद्दे हैं आपके? नहीं नहीं सर, हम ऐसे ही देखने आए हैं इनको सर। हाँ जी, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठे। ठीक है सर। तो एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो है आज का दिन काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से ये भी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांगड़ा में पहुंचना और इस बड़ी जनसभा सभा में संबोधन करना जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा करता है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के बाद जो है वो जेपी नड्डा यहाँ से जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी मिलेंगे और उसके बाद जो है वो शाम के समय में माता चामुंडा के दर्शन करने के लिए भी पहुँचेंगे, और आज जो है वो धर्मशाला में ही उनका ठहरने का कार्यक्रम है, और जिसके बाद कल जो है वो जो कांगड़ा के जो पदाधिकारियों के साथ जो है वो उनकी बैठक होनी है और कल जो है उनकी वापसी होगी। तो जाहिर तौर पर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस जनसभा के जरिए जो है एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। जाहिर तौर पर इस बार जो है वो के विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि तीसरी पार्टी ने भी दस्तक दे दी है, आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है, क्योंकि कल ठीक यहीं से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो अरविंद केजरीवाल भी एक जनसभा का संबोधन करने वाले हैं। तो आज का दिन खास रहने वाला है कि किस तरीके से इसी मंच से जो है वो जेपी नड्डा जो है वो संबोधन करते हैं, उसके बाद बाकी के पदाधिकारी किस तरीके का संबोधन करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियां जो है वो उसका जायजा लेने के लिए, जाहिर तौर पर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेवारी जो है वो जिला कांगड़ा के कई नेताओं को दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे उसकी जिम्मेवारी जो है वो नेताओं को रहेगी। और यहाँ पर देखना ही होगा कि धीरे धीरे जिस तरीके से लोग अभी पहुंचना शुरू हैं, 12 बजे किस तरीके की भीड़ यहाँ पर रहती है और आगे के कार्यक्रम में किस तरीके से जो है वो जनसंबोधन होता है वो देखने लायक रहेगा। जी अमृता, संदीप, ताजा तस्वीरें आपकी तरफ से जरूर देखते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी और इन तस्वीरों के लिए।